हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप FL स्टूडियो के अंदर अपने वोकल को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको केवल वोकल रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप बीट के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कराओके ट्रैक ले लिया या फिर FL स्टूडियो के अंदर आपने कोई बीट बना लिया और आप इस बीट के ऊपर अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसका ट्रैक अलग बजे और आपका जो वोकल रिकॉर्डिंग हो और अलग हो, तो वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे बहुत जल्द। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं वो वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आप अपने वोकल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर आना है। आपको सबसे पहले अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो आपके पास आईडी इंटरफेस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ड्राइवर यह है, यहाँ पे सेट कर लिया हूँ इसको, जो भी आईडी इंटरफेस है तो उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे आना है, क्लिक करना, देख सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप अपने वोकल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये मास्टर जो पैनल होता है, इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग ना करें। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इस इंसर्ट 1, इंसर्ट 2 या इंसर्ट 3, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, इन पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप मास्टर पैनल को छोड़ करके। अब ये आपको इंसर्ट 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से नन का दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है आपको एमहा स्टेनबर यूएसबी एसईओ स्टीरियो, ये इनपुट आउटपुट है। इस पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका रिकॉर्डिंग होता है वोकल रिकॉर्डिंग, वो आपका मोनो में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ रहा है एमहा स्टेनबर यूएसबी एसईओ मोनो। अब यहाँ पर दो इनपुट दिए रहे हैं, इनपुट 1 इनपुट, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप एक साउंड कार्ड के अंदर, अगर आप मान लीजिए आपका दो चैनल वाला साउंड कार्ड है और आप दो माइक ऐड कर रहे हैं, या फिर पहले वाले चैनल पे आप माइक ऐड किए हैं या दूसरे वाले चैनल पे, यहाँ पे आपको सेट करना है। तो मैंने पहले वाले चैनल पे मैंने अपना डायनामाइक माइक्रोफोन ऐड किया हूँ, तो मैं इसको ऑन कर दूँगा। तो मैंने इसको चालू कर दिया, मेरी डबल आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। अगर आपकी डबल आवाज़ आ रही है, अगर वोकल रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले इसको बंद कर दीजिए, बाद में वोकल रिकॉर्ड हो जाए फिर सुनना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। इतना करने के बाद में अब यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, यहाँ से देख लीजिए, और उसके बाद में एडिशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे ही रिकॉर्डिंग के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो जैसे कुछ भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पहले मत क्लिक करना, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ चलने लगा है यहाँ पे। अगर मैं बंद हो जा रहा हूँ दो सेकंड के लिए तो देखिएगा, अब ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अब ये फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो भी यहाँ पे बोलोगे, यानी कि कोई भी अगर आप गाना गाओगे, वोकल रिकॉर्ड करोगे इस पर, तो वो आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग शो होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। इसी BST प्लगइन्स की मदद से, एडिशन BST प्लगइन्स की मदद से आप अपने वोकल को बेहतर तरीक़ों से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसको मान लीजिए आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो गया है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग जहाँ से चालू किए थे इसको आप बंद कर दीजिए, ये आपका बंद हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लेयर पे लाना है, तो क्या करना है आपको, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अगर इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं इसको सेव करने का, या तो आप यहाँ से करिए डायरेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करिए और ये आपका वोकल रिकॉर्डिंग यहाँ से आ चुका है, देख सकते हैं। अगर इसको सुनना चाहते हो तो हम आपको सुना भी देते हैं, हो सकता है आपको इसकी आवाज़ बहुत कम आए, ठीक है, तो चलिए हम आपको सुना देते हैं इसको। तो अभी इसकी आवाज़ नहीं आएगी यार दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बंद करके रखा था, आप देख सकते हो। इसको चालू कर देते हैं, अब आएगी आवाज़। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ चलने लगा है यहाँ पे। अगर मैं बंद हो जा रहा हूँ दो सेकंड के लिए तो देखिएगा, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अभी फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो भी यहाँ पे बोलोगे, यानी कि कोई भी अगर आप गाना गाओगे, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा था वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई है। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर इस पर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो तो इस पर दूसरे चैनल पे ले लीजिए, इसको दूसरे चैनल पे ले लीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कीजिए, जैसे कि साउंड गुडाइजर का है, तीसरा आप ले लीजिए। सुन करके आप इसको सेट कर सकते हो मैनुअली। और उसके बाद में अगर आप अपने वोकल में रिवर्ब देना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रोटी रिवर्ब 2 है,
आप फ्रोटी रिवर्ब टू को यहाँ पे लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने वोकल के हिसाब से आप अपना रिवर्ब दे सकते हैं, ठीक है। सुन करके दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, आप ऐसे नहीं कि ऐसे ही लगाते जाओ तो ख़राब भी हो सकता है आपका वोकल, ये नहीं लेना है आपको। ये लेना है देख सकते हैं फ्रोटी पैरामेट्रिक क्यू टू। अगर बेस ज़्यादा है आपकी आवाज़ में, भारीपन ज़्यादा है, तो यहाँ से दोस्तों आप कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक क्यू कर सकते हैं अपनी आवाज़ को इस तरह से, जिस तरह से आप अपने क्यूबेस फाइव में करते हैं, तो अच्छा है। सुन के देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ चलने लगा है यहाँ पे। अगर मैं बंद हो जा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए तो देखिएगा। तो इस तरह से आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसको सेव करना है तो एक्सपोर्ट पे आना है और MP3 ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।